अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चैप्टर टू का टॉपिक है डिवाइस ड्राइवर्स एंड यूटिलिटी प्रोग्राम्स। अच्छा, डिवाइस ड्राइवर क्या चीज़ होती है? डिवाइस ड्राइवर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि किसी खास डिवाइस को, किसी हार्डवेयर को चलाने के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है, यानी कि उसको चलाने के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल है कि जैसे अगर एक प्रिंटर हम लेकर आते हैं, ठीक है, और उस प्रिंटर को कंप्यूटर के साथ लगाते हैं, तो वो प्रिंटर बग़ैर डिवाइस ड्राइवर के काम नहीं कर सकता, ठीक है, उसको कंप्यूटर के साथ लगाएंगे वो काम नहीं करेगा। पहले उस प्रिंटर का ड्राइवर कंप्यूटर पे इंस्टॉल होना ज़रूरी है, ठीक है। अब वो जो उसका ड्राइवर होता है वो बाज़ुकात तो विंडोज़ के अंदर पहले मौजूद होता है, ठीक है, और विंडोज़ खुद वो ड्राइवर इंस्टॉल कर देती है, फिर वो प्रिंटर चलना शुरू कर देता है। नहीं तो फिर हमें उसके साथ कोई सीडी मिलती है, ठीक है, या फिर हमें इंटरनेट से डाउनलोड करना पड़ता है ड्राइवर, और उसको हम फिर इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, कंप्यूटर पर, तो उसके बाद जो है वो जो प्रिंटर है वो काम करना शुरू करता है, ठीक है। तो डिवाइस ड्राइवर जो है ये किसी भी हार्डवेयर को, बेशक कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, जॉयस्टिक है, ठीक है, कोई भी डिवाइस है, उसको चलाने के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। अच्छा, डिवाइस ड्राइवर को हॉली ड्राइवर भी कहते हैं। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, यानी कि ये असल में कंप्यूटर के लिए कोई काम कर रहा है, इस वजह से ये सिस्टम सॉफ्टवेयर। और ये करता क्या है, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि जिसकी मिसाल विंडोज़ है, उसकी हेल्प करता है, ठीक है, उसको काम करने में उसकी मदद देता है। असल में ये ऑपरेटिंग सिस्टम का ही हिस्सा बन जाता है, ठीक है, उसकी एक्सटेंशन होता है ये जो डिवाइस ड्राइवर है, यानी कि ये जब हम इंस्टॉल करते हैं तो विंडोज़ का हिस्सा बन जाता है और फिर उसके साथ मिलकर जो है वो काम करता है, उस हार्डवेयर को चलाता है। अच्छा, तो ये जो ड्राइवर्स हैं, ये बाज़ ड्राइवर्स ऐसे हैं जो कि विंडोज़ के अंदर पहले से ही मौजूद होते हैं, ठीक है, और वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होते हैं, ठीक है, यानी कि हम जैसे हमारा आम कीबोर्ड माउस का ड्राइवर है, हम कीबोर्ड लगाते हैं, ठीक है, तो वो उसको फ़ौरन ही इंस्टॉल कर देता है ड्राइवर को, विंडोज़ खुद यानी इंस्टॉल कर देती है, क्योंकि विंडोज़ में पहले ही मौजूद होता है उसका ड्राइवर और वो कीबोर्ड चलना शुरू होता है, ठीक है। लेकिन बहुत ऐसे हैं जो कि हमें खुद जो है वो उनका ड्राइवर हमें इंस्टॉल करना पड़ता है, या डाउनलोड करके करेंगे, या कोई सीडी वगैरह डीवीडी उनके साथ मिलती है, उनके ज़रिए जो है वो उसमें ड्राइवर जो है उसको हम इंस्टॉल करते हैं। तो ये ड्राइवर जो है इसका होना ज़रूरी है, ठीक है, हार्डवेयर्स के लिए, हार्डवेयर को चलाने के लिए, ये जो पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, प्रिंटर वगैरह सारे, ठीक है, मोडेम, कीबोर्ड, इनको चलाने के लिए ड्राइवर जो है वो ज़रूरी होता है, ठीक है, इसके बगैर वो नहीं काम करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट सॉफ्टवेयर है, ये असल में सिस्टम सॉफ्टवेयर की टाइप्स हैं, ठीक है, एक आपको पहले मैंने बताई थी ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, लास्ट टाइम की थी हमने, दूसरी टाइप थी डिवाइस ड्राइवर जो भी मैंने बताई, और तीसरी टाइप जो है वो है यूटिलिटी प्रोग्राम्स। तो यूटिलिटी प्रोग्राम क्या चीज़ होती है, ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जैसे मैंने बताया उसकी ये भी टाइप है। ये प्रोग्राम्स कंप्यूटर के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, यानी कि ऐसे जो प्रोग्राम है वो कंप्यूटर को कोई सहूलत दे रहे होते हैं, ठीक है, उसको या तो एनालाइज़ करेंगे मुख्तलिफ चीज़ों को कंप्यूटर के लिए, ठीक है, या कंप्यूटर के लिए मुख्तलिफ चीज़ों की कोई सेटिंग करेंगे, ठीक है, उनको कॉन्फ़िगर करेंगे, या ये है कि कंप्यूटर को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, बेहतर बनाएंगे, मेंटेन करेंगे, यानी कि जैसा कि विनरार एक सॉफ्टवेयर है, वो क्या करता है, वो फाइलों का साइज़ छोटा कर देता है, ठीक है, अगर फ़र्ज़ करें 100 MB की एक फ़ाइल है, उसको विनरार से जब कंप्रेस करें तो हो सकता है वो 50 MB की रह जाए, ठीक है। अब 50 MB जो है वो स्पेस उसने बचा दी है, ठीक है, अब उसकी स्पेस बचने से कंप्यूटर को फ़ायदा हुआ कि उसकी जगह बढ़ गई 50 MB। तो इस तरह से और भी सॉफ्टवेयर होते हैं, डिस्क क्लीनअप एक सॉफ्टवेयर होता है, वो क्या करता है कि फालतू जो फाइलें डिस्क में मौजूद है उनको डिलीट कर देता है, जो टेम्परेरी हमारे काम की फाइलें नहीं होती उनको कंप्यूटर से निकाल देता है, उससे क्या होता है, उससे भी हमारी कुछ कैपेसिटी बढ़ जाती है कंप्यूटर की, ठीक है, यानी कि जगह खाली हुई थी। तो ये इस तरह के प्रोग्राम होते हैं, ठीक है, जो कि कंप्यूटर को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, या तो उसकी कोई ना कोई कुछ सेटिंग वो कर रहे होंगे, या फिर उसको कुछ बेहतर बनाने का काम कर रहे होंगे, या फिर उसको जो है वो एनालाइज कर रहे होंगे, ठीक है, जैसा कि
डिफ्रेगमेंटेशन का सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, फिर स्कैनिंग के सॉफ्टवेयर होते हैं, स्कैनिंग वगैरह करके वह उसको उसमें देखते हैं कौन कौन से वायरस वगैरह, ठीक है, या कौन कौन सी ख़राब चीज़ें हैं, बैड सेक्टर्स कौन से, ठीक है। डिस्क को चेक करने वाली ये सॉफ्टवेयर है जो मैंने अभी बताया है, तो ये डिस्क को चेक करते हैं, ठीक है, एनालाइज करते हैं कि उसमें क्या ख़राबी है, क्या ठीक है, क्या क्या मसले हैं, फिर उनको अगर वो ठीक होने वाले हों वो मसले तो उनको ठीक भी कर देते हैं। अच्छा, तो ये कंप्यूटर की मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है, कंप्यूटर की और दूसरी जो भी कंप्यूटर के अंदर फाइलें वगैरह मौजूद है उनकी मैनेजमेंट करते हैं, यानी कभी वो स्पेस बचा देंगे, ठीक है, कंप्यूटर की, या जो विंडोज़ एक्सप्लोरर होता है जिसके ज़रिए हम फाइलों को कॉपी पेस्ट रीनेम सारा कुछ कर रहे होते हैं, वो भी जो है वो भी एक यूटिलिटी प्रोग्राम ही है, ठीक है, उसकी मदद से हम, ठीक है, क्या करते हैं कि फ़ाइलों की मैनेजमेंट करते हैं। तो इस तरह के मुख्तलिफ काम जो है वो यूटिलिटी प्रोग्राम्स करते हैं। अच्छा, इसकी एग्जांपल डिस्क क्लीनअप, ठीक है, विंडोज़ एक्सप्लोरर, फिर उसके बाद पिक्चर एंड फैक्स व्यूअर, ठीक है, ये जो तस्वीरें जिस प्रोग्राम के ज़रिए हम देखते हैं कंप्यूटर पे, वो भी एक यूटिलिटी प्रोग्राम, ठीक है। तो इसके अलावा और भी बहुत से हैं, विनरार है, ठीक है, तो जो यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं वो हम विंडोज़ एक्सपी के अंदर कहाँ से चला सकते हैं, कुछ खास यूटिलिटी प्रोग्राम जिसके अंदर उन्होंने रखे होते हैं, उनको चलाने के लिए पहले हम स्टार्ट का बटन दबाएंगे, ठीक है। स्टार्ट का बटन दबाने के बाद ऑल प्रोग्राम्स, अच्छा, यहाँ से फिर ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे, ठीक है। ऑल प्रोग्राम्स से फिर हम आगे एक्सेसरीज में जाएंगे, और एक्सेसरीज से, यानी कि ये स्टार्ट बटन प्रेस किए, वहाँ से ऑल प्रोग्राम्स में गए, और वहाँ से फिर ये एक्सेसरीज में गए हम। एक्सेसरीज़ के अंदर सिस्टम टूल्स होता है, ठीक है, सिस्टम टूल्स में जाएंगे तो वहाँ पे हमें मुख्तलिफ जो यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं वो मिल जाएंगे, ठीक है, जिसमें डिस्क क्लीनअप मौजूद है, ठीक है, फिर बैकअप है, फिर इस तरह के और भी सॉफ्टवेयर है। अब डिस्क क्लीनअप का क्या काम है कि ये डिस्क को स्कैन करता है, उसके अंदर जो भी फालतू फाइल है उसको निकाल देता है। फिर इस तरह ऊपर बैकअप है, बैकअप का क्या काम है कि ये फाइलों को जो है और डिस्कों को, ठीक है, उनको बैकअप करता है, ठीक है, यानी कि उनको महफूज करके रख देता है ताकि कभी कोई मसला हो जाए तो डाटा वापस लाया जा सके, ठीक है। अच्छा, फिर नीचे सिक्योरिटी सेंटर है। सिक्योरिटी सेंटर जो है ये कंप्यूटर की हिफाजत करने के लिए इस्तेमाल होता है ये सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये इसमें बहुत से, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर मौजूद होते हैं यहाँ पे, यूटिलिटी प्रोग्राम, ठीक है, इस जगह पे सिस्टम टूल्स में। सब्सक्राइब करें, अल्लाह हाफिज़।